तो आज हम यहाँ पे प्रोग्राम देखने वाले हैं कि एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो हम फ्लोट में लेंगे क्योंकि अगर पॉइंट में एरिया आया तो हमें अच्छा पड़ेगा। तो फ्लोट, तो फर्स्ट तो हमें साइड एंटर करना है स्क्वायर की, तो वो ऐसा आएगा लेंथ देन ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल, देन हमें एरिया निकालना है, सपोज एरिया एस लिखा मैंने फॉर स्क्वायर, पेरीमीटर फॉर स्क्वायर, देन एरिया फॉर रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देन फर्स्ट हमें यहाँ पे हमें मैसेज देना होगा, एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर देन हमें वो एक्सेप्ट करना है, तो इसके लिए हमें स्कैनएफ करना होगा, फॉर्मेटर यूज करना होगा परसेंटेज एफ, और हमें वेरिएबल यूज करना है साइड के लिए एस, देन हमें एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना होगा, एरिया इज इक्वल टू अभी स्क्वायर का हम एस इंटू एस, देन पेरीमीटर हमें निकालना है स्क्वायर का, तो कैसे निकालेंगे, फोर इंटू एस। अभी सपोज हमें यहाँ प्रिंट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया एंड सपोज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट तो आएगा एरिया, तो उसके लिए फॉर्मेटर आएगा परसेंटेज एफ, देन सेकंड आएगा पेरीमीटर, तो अभी उसके लिए हमने कौन से वेरिएबल यूज किए हुए हैं, तो फर्स्ट तो एरिया के लिए एरिया एस एंड पेरीमीटर के लिए पेरी एस, देन हमें यहाँ पे निकालना है, हमें यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करना होगा, एंटर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल देन हमें एक्सेप्ट करना है लेंथ एंड ब्रेथ, तो उसके लिए फॉर्मेटर है परसेंटेज एफ, दो वेरिएबल हमें एक्सेप्ट करना है तो दो बार एफ फॉर्मेटर आएगा, तो उसके लिए वेरिएबल हमने यूज किया है डिक्लेयर किया है एल एंड बी, तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, तो उसके लिए हमने वेरिएबल लिया हुआ है एरिया रेक्ट इज इक्वल टू लेंथ एंड ब्रेथ, देन रेक्ट इज इक्वल टू टू इंटू एल प्लस बी, तो अभी हमें यह डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हमें मैसेज डिस्प्ले करना होगा, एरिया एंड पेरीमीटर
ऑफ रेक्टेंगल, तो उसके लिए फॉर्मेटर आएगा परसेंटेज एफ, देन सेकंड फॉर्मेटर आएगा परसेंटेज एफ, डबल कोटेशन कंप्लीट, देन कॉमा में हमें वेरिएबल यूज करना होगा एरिया रेक्ट, देन पेरीमीटर रेक्ट, देन आंसर हमें डिस्प्ले करना होगा। तो यहाँ पे हमें प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, देन कंपाइल, जीरो एरर, देन रन करना होगा हमें। तो एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो यहाँ पे आंसर आ गया एरिया एंड पेरीमीटर आ गया। अब यहाँ लेंथ एंड ब्रेथ हमें एक्सेप्ट करना है। सपोज मैंने यहाँ पे 8.0 एंड देन 6.0 एक्सेप्ट किया, तो एरिया एंड पेरीमीटर तो इस तरह पे से हमने यहाँ पे आज देखा कि कैसे हम पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हमने निकाला है। तो हाँ, मेरा वीडियो या आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देन गुड।